नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आज मैच होने वाला है। धर्मशाला में आज ये मैच खेला जाएगा। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड्स मैच में बारिश का अब साया छाया, जहां पर मैच से पहले आज मौसम फिर खराब हो गया है। जिले भर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आज मैच को लेकर मैच से पहले आज मौसम फिर खराब हुआ। धर्मशाला में आज मैच है, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच मैच है, जहां जिले भर में एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है। दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। जिले भर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड मैच में बारिश का साया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मशाला से हमारे संवाददाता मनोज दीवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका का आज मैच होने वाला है, लेकिन जिले भर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के आसार धर्मशाला में और ज्यादा जताए जा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई स्टेडियम में, जाना चाहेंगे? बिल्कुल दीपिका, देखिए आज जो है वो नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है और इस मैच को देखने के लिए लोग भी पहुंचना शुरू हुए हैं। लेकिन उससे पहले पिछले कल से जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो बारिश हुई है। धर्मशाला में भी बारिश हुई है और जो धौलाधार की पहाड़ियां हैं उन पर बर्फबारी भी हुई है। ऐसे में मैं आज भी मौसम पूरा खराब बना हुआ है, आसमान काले बादलों से छाया है और मैच के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं संकट जो है वो अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 बजे के बीच मैच होना है और मौसम सुबह से ही खराब हो चुका है। और धर्मशाला की बात करें, धर्मशाला में हल्के से भी बादल होते हैं तो बारिश हो जाती है और ऐसे में अब इस मैच पर जो है वो बारिश के संकट गहराने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही जो है वो जिला कांगड़ा में भी मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार जो है ऊपरी क्षेत्रों में वो जताए थे। तो ऐसे में मौसम एक बार फिर से खराब हो गया है और जो मैच है, मैच पर अब बादल जो है वो घिरने शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि मैच के बीच बारिश भी हो सकती है और अगर मौसम की मेहरबानी रही तो बारिश ना भी हो और मैच सफलतापूर्वक हो जाए। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम की बात की जाए तो स्टेडियम बिल्कुल तैयार है। देर रात का पिछले कल से ही जो है पिच उसको कवर कर दिया गया था, लेकिन अब देखना यह है कि बारिश होती है या नहीं होती है, क्या मैच सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह का ये मैच हुआ या नहीं हुआ, या बारिश हुई या मौसम साफ हो गया। बिल्कुल मनोज, मौसम का मिजाज तो बदला हुआ सा नजर आ रहा है। बारिश की बात करें तो बारिश भी हल्की हल्की बारिश देखने को भी मिल रही है। क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि सभी जो फैंस है, क्रिकेट फैंस एक्साइटेड है मैच को लेकर, क्या मैच के पोस्टपोन होने के आसार यहाँ पर है? बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर ज्यादा बारिश होती है तो मैच को स्थगित करना पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बादल आसमान में छाए रहते हैं और बारिश नहीं होती है। हालांकि अन्य इलाकों की बात की जाए और धर्मशाला के साथ लगते शाहपुर में जो है वो जोरदार बारिश हो रही है, पालमपुर जैसे इलाके में अभी बारिश नहीं है जहां पर आसमान काला ही है, लेकिन धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी के बाद जो सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है वो धर्मशाला में किया जाता है। और ऐसे में अब अगर ज्यादा बारिश होती है तो मैच खेलना वो जो है वो खिलाड़ी के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज बारिश जो है वो कम होगी। हालांकि 40% के आसपास जो है वो मौसम विभाग ने बारिश बताई है। अब देखना ये होगा कितनी बारिश जो है वो होती है या फिर ऐसे ही मौसम जो है वो साफ हो जाएगा। जी चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।